तो कैसे आप लोग, मेरा नाम का नाम दिख रहा है सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले बहुत से माइनक्राफ्ट। और गाइस इस बार है हम लोग अपने ओपी एसएमपी में। सो गाइस ओपी एसएमपी का पार्ट वन है, हम लोग इसे एक्सप्लोर करने वाले बढ़िया से। सो गाइस चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन आ रहा है यार, दाब दो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। और गाइस इससे हमारा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहुँचते रहेगा, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना। तो गाइस चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, देख सकते हो बाद में मैंने यहाँ सुअर घुस गए यार। एक गाइस ये सुअर का तो मैंने समझा, ये गाइस मैंने राइड करने के लिए रखा था, पर इस सुअर का पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे पास विकल है, मैं खोलूंगा ना गाइस। इसी से डर लगता है गाइस, और किसी से नहीं। मेरे को लाल एक सेकंड से मार देता है, दिमाग का भजिया करता है गाइस। कोई बात नहीं, चलो अब हम लोग अपने एसएमपी को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं अपना घर दिखाता हूँ। सो गाइस ये है मेरा घर, जो कि काफ़ी ज़्यादा घटिया तो नहीं, घटिया नहीं कर सकता, बस अच्छा लगता है गाइस। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जाकर जरूर बताना। और हाँ, अजीब वाला घर भी बता रहा कैसा लगा। ये घर मैंने नहीं बनाया गाइस, सिर्फ मैंने इसे डेकोरेट किया अंदर और बाहर से। इसे बनाया है कि गाइस जिसका जो हमारे एसएमपी का दूसरा मेंबर है, बस दो ही मेंबर है हमारे पास अभी। और अगर कोई ऐड होना चाहता है हमारे सब्सक्राइबर्स में से, तो गाइस जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में, अपना नाम लिखो, साइन इन कर लेना, और एक्सबॉक्स से भी वही आईडी से साइन इन कर लेना। फिर गाइस मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना, और कमेंट में अपना नाम बोल देना गाइस, फिर गाइस आप ज्वाइन हो सकते हैं जब मैं खेलूँगा। सो गाइस जी था इसका, जी है हमारा फार्म जो कि मैंने ही बनाया है आधा से ज़्यादा। गाइस इसे तोड़ा किसने यार मेरे को, कोई बात नहीं। जैसे ये फार्म मैंने बनाया, बीकन भी मैंने बनाया। और गाइस ये आज नीचे हमारे ट्रेडिंग वाले, उसे पता है ये है गन्ना का खेत हमारा, शुगर केन फार्म। और गाइस यहाँ पर पंपकिन मेलन फार्म, और गाइस यहाँ पर तो पर ये एक्सपी फार्म जो बिल्कुल भी काम नहीं करता। लेकिन गाइस मैं तो इसे तोड़ना नहीं चाहता गाइस, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा इसे बनाने, तो वैसे तोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर मेहनत ये चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, पर गाइस कोई काम का नहीं है, तब पर भी कभी कभी इस पर बहुत स्पॉन हो जाते हैं, पर गाइस मैं ऐसे तोड़ना नहीं चाहता गाइस। देख सकते हो काफ़ी सारे मॉब स्पॉन हुए थे, फिर आप काम करना बंद हो गया फिलहाल। और गाइस ये भी है एक्चुअली फार्म ही है, ये है स्केलेटन फार्म। तो गाइस यहाँ पर स्केलेटन स्पॉन होते हैं गाइस। मेरे को रविंद से एक मिला था मॉब स्पॉनर स्केलेटन का, तो उसे मैंने पकड़ लिया और इसे यहाँ ले आया। और नीचे मैं ब्लॉक लगा के जब भी ये मरता है तो गाइस देखो स्पाइडर भी स्पॉन हो जाता है। मैं बता मेरे को कुछ ऐसे तो कि देखो फिलहाल तो मेरे को कुछ काम करना नहीं है इधर। और गाइस ये हमारा एनिमल फार्म जिसमें शेर है, और यहाँ पर है सिप्स जो कि बाहर निकलने के लिए बहुत कहेंगे, और कुछ मॉब्स बहुत सारे यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये है यार इसका नाम बोल रहा है यार, ये चिकन है गाइस, ये है काओ, ठीक है गाइस आप लोगों को पता ही है, पता नहीं जरूरत नहीं। ये था स्नो फार्म गाइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, बनाने का मतलब नहीं था, पर बना तो बना दिया यार। बीच में जो वो था वो फेंका गया, पता नहीं कहाँ चल गया, फिर वो दौड़ते, फिर मैंने एक बार देख लिया, वहाँ तक गया था, मैंने उसे मार दिया गाइस, क्या करेंगे यार उसका रखे। और यहाँ आगे देख पा रहे ये है हमारा सुगरकेन फार्म, जो कि एक्चुअल में काम करता है कि मैं। आज ये है हमारा कोब्लेस्टोन फार्म, जो कि एकदम भद्दा लगता है, पर है काम करता है एकदम सुपर। तो गाइस यहाँ पर देख पा रहे हो सुगरकेन फार्म बहुत ख़राब है, देख सकते 12 घंटा में एक भी सुगरकेन होता है, इसीलिए मैं सब तोड़ के निकाल लिया आगे। लेकिन गाइस आगे में है कैल्प फार्म, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपर है। ये वाला कैल्प फार्म मेरे को बहुत बढ़िया लगता है गाइस, देख सकते हो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करता है। और आगे में है ये है आयरन फार्म, जिसमें बड़े बड़े ब्लॉक मैंने निकाल के यहाँ रखे, और कुछ ब्लॉक ऊपर में ब्लॉक होता है यार, कुछ ब्लॉक आयरन में रखे हैं गाइस। चेस्ट रखे हैं यार, चेस्ट में आयरन है, अरे यार ऊपर चेस्ट देख सकते हो गाइस काफ़ी सारा आयरन है। और नीचे उतर जाते हैं यहाँ से, कोई फॉल डैमेज मेरे को ज़्यादा पड़ेगा नहीं, अरे गाइस फॉल डैमेज पड़ेगा भी नहीं गाइस, अपना आर्मर नहीं बनाया जगह गाइस। तो ये है हमारा एक और कैल्फॉर्म, जो कि इतना फास्ट नहीं काम करता, पर सही काम कर रहता है गाइस, देख सकते हो क्या हाल है इसका। इसका हाल ये मैंने ही किया है, जितने भी कैल्प आते हैं वो इसमें टक के ऊपर आते हैं। इसमें भी कुछ कुछ कैल्प होते हैं गाइस, देख सकते हो अभी बहुत फास्ट काम कर रहा है ये। अब मेरे को नहीं पता इतना फास्ट नहीं काम करता, देखो गाइस कितने जल्दी जल्दी ये काम करता है।
सो गाइस देखिए सारे कैल्प ऊपर अटक जाते हैं। तो गाइस देख सकते हो, आपको मैं दिखा देता हूँ कैल्प कैसे ऊपर अटक जाते हैं। ऊपर देख सकते हो यहाँ पर कैल्प है ना, यहाँ पर ऊपर अटक जाता है गाइस। देखो यहाँ पर है ना फ्लो होके यहाँ अटक जाता है फ्लो। मैं सोचता हूँ इसे अनलिमिट इसे है ना पावर को कम कर देते हैं और उधर की तरफ फ्लो करते हैं, फ्लो फ्लो करवाते हैं तो इधर की तरफ फ्लो हो जा रहा है। लेकिन इधर की तरफ फ्लो होने के बाद गाइस ये नीचे ही अटक जाता है। देखो यहाँ पर देख पा रहे हो ये गड्ढा है, यहाँ पर पहुँच के ये नीचे जाते हैं पर यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो देख पा रहे हो कि मैं आपको दिखाता हूँ इसमें तो मेरे हो गए स्केल बहुत सारे कलेक्ट हो जाएंगे मेरे पास। अरे यार जल्दी चलता हूँ सर, मतलब जरूर मेरे को भरता बना देंगे। तो यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं कैल्प काफ़ी सारे, तीन कैल्प आ चुके हैं, पाँच कैल्प। देखो गाइस अटक जाता है ऊपर तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अटक जाता है। और गाइस यहाँ पर देख पा रहे हो और यहाँ पर भी इसी तरह होता है कुछ, इसी तरह होता है कुछ, पर मेरे को कुछ इतनी दिक्कत लेने की बात नहीं है। कोई कुछ चल जाता है पर मेरे को कैल्प का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फार्म मैंने सेकेंड वाला बनाया था। ये जो सबसे अच्छा काम करता है गाइस, बहुत ज़्यादा सुपर फार्म है ये गाइस। कैल्प फार्म देख रहा गाइस, देखो एक सेकंड देखो यहाँ पर ये इसमें देख लिया गाइस। देखो भाई साहब कोई बात नहीं, कैल्प अटक जाते हैं मैं क्या करूँगा, इसमें अटक जाते हैं ये सुगर कन्फर्म तो सबसे घटिया है। तो गाइस सबसे पहले आप मैं दिखा देता हूँ अपना ट्रेडिंग हॉल, जो कि मेरा सीक्रेट बेस था यार, अभी मैं दिखाता हूँ गाइस चलो। तो गाइस मैं एंटर हो चुका हूँ इसका घर में और गाइस यहाँ पर है ये जो ब्लॉक है, यहाँ पर मैंने ब्लॉक रखा था अपना बेड रखता था भाई मैं इसी घर में, छलांग मैंने मारा और यहाँ पर गाइस ट्रेडिंग हॉल है। और गाइस ये यहाँ पर सेम बोल रहा हूँ मेरा सीक्रेट बेस आया करता था यहाँ पर। मेरा ये जो एंडर चेस्ट है मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ सामान, लेकिन मैं नहीं दिखा सकता अभी जो गाइस काफ़ी ज़्यादा सामान है इससे, मतलब मैं दिखा सकता हूँ पर गाइस ये लड़ाई के दौरान इस्तेमाल हो सकते हैं। देख सकते हो काफ़ी सारे बुक्स पड़े हैं, काफ़ी सारे सलकर बॉक्स गाइस, सब क्रिएटिव चीज वैसा गाइस प्लीज प्लीज। तो गाइस गलती से हो गया ये, तो गाइस मेरे को सलकर बॉक्स की बहुत जरूरत है। और यहाँ पर ये गाइस ये सबसे ये वाला ट्रेडर है, ये गाइस देख सकते हो ये हमेशा मेंडिंग ही बेचेगा, अधिकतर ये मेंडिंग ही बेचेगा, कभी भी कुछ अनब्रेकिंग मेंडिंग नहीं बेचेगा। तो गाइस ऊपर जाने का यहाँ पर एक ये क्लस्टर का तो मैं मारना चाहता हूँ, तो मैं जा सकता हूँ ऐसे करके ऊपर। और गाइस ये ऊपर जाने का रास्ता है ठीक है, अब चलो हम पहुँचते हैं ये तरफ। ये हमारा शुगर सबसे छोटा पहला फार्म था शुगर कैन का, और यहाँ पर भी शुगर कैन था यहीं पर था, तो मैंने यहीं से तोड़ के लगा दिया। तो गाइस यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर मेरा लगता है कोई मरा हुआ था और मरा हुआ हूँ। वैसे सामान मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं उसका सामान ले लूँगा फिर बोलेगा भाई मेरा सामान है भाई, बस TNT कहाँ से लेके आ रहा है यार ये। कोई बात नहीं, मेरे को लग रहा है ये हमला करने का विचार में हमारा। तो गाइस ये हमारा पोर्टल ठीक है, तो चलो गाइस एक सेकंड गाइस आउट्रो बढ़िया होना चाहिए, गाइस आउट्रो बढ़िया होना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो कितनी था, अगर हम लोग SMP पे और ज़्यादा डुकना है गाइस, लेकिन गाइस ये समझ लेना कि गाइस अभी सेफ नहीं, हम लोग सेफ हो नहीं सकते, क्योंकि गाइस उसके पास भी बहुत सारे तगड़े तगड़े सामान है। हमारे जो देख सकते हो ट्राइडेंट लटक रहा है यहाँ पर, मेरे पास भी टाइट वाला है लेकिन उसके पास ट्राइडेंट है नहीं, पर वो मुझे लगता है जुगाड़ लगा रहा है। और कुछ कुछ बंदे हमारे में ज्वाइन हो चुके हैं पर वो गाइस सीक्रेट हाउस बना रहे, तो कोई बात नहीं हम लोग भी सीक्रेट हाउस बनाएंगे, सीक्रेट बेस बनाएंगे। तो गाइस चलो सब्सक्राइब बटन आएगा तो दबा देना और बेल नोटिफिकेशन वॉल पे सेट कर देना, जिसने भी सब्सक्राइब किया है वो लाइक और कमेंट कर देना, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाइक कमेंट दोनों कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।